हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 से रिलेटेड इन तीनों टॉपिक बारे में दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो उत्तर प्रदेश पुलिस से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट की और जो नई वैकेंसी की इंतजार कर रही है, इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में दोस्तों बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आपको बहुत ही अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो आप 1-10 सेकंड स्किप कर दें तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ कतई ना आएगी, आप बार बार वीडियो देखते ही रह जाएंगे, यूट्यूब पर कन्फ्यूजन बना रहेगा आपका। तो फ्रेंड, एकदम सटीक चीज़ इसमें इस वीडियो में आपसे बताने और वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो फ्रेंड, अभी तक जो हमसे नए नए फ्रेंड जुड़े तो अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्रेस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर यहाँ पे 49,568 का रिजल्ट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपका रिजल्ट जून में आने वाला है। जून में क्या है दोस्तों, जून के पहले ही आ जाएगा, लगभग 30 जून को रिजल्ट की डेट मतलब इसकी कंफर्म है दोस्तों। इसकी मतलब रिजल्ट आ सकता है 20 जून या 25 जून तक ही आ सकता है, क्योंकि दोस्तों एकदम ये कंफर्म डेट है, इतने इससे आगे जाने वाला नहीं है। 30 जून तक तो पक्का आपका रिजल्ट आने वाला ही है। तो फ्रेंड, आपको देख लेना है, 30 जून तक ही आपका रिजल्ट आएगा, इससे आगे नहीं जाने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अगला देख लेते हैं दोस्तों स्लाइड में। अगला दोस्तों है कि आपकी 50,000 जो नई सिपाही भर्ती की आने वाले, उसका फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये फॉर्म दोस्तों नवंबर में अप्लाई होना स्टार्ट हो, कब हो जाएगा, नवंबर में आपका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होना अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, नवंबर में ही क्यों होगा, आपके मन में दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा दोस्तों। मैं बता दूँ कि नवंबर में दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि अभी आपकी 49,568 का रिजल्ट नहीं आया और प्लस 41,000 जो वैकेंसी थी उसकी अभी ट्रेनिंग पे कुछ बच्चे गए नहीं, इसलिए दोस्तों उनका जो अधिकारी हैं बहुत मतलब इस समय व्यस्त चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपका ये नवंबर तक फॉर्म, नवंबर तक तो दोस्तों कंफर्म ही है कि नवंबर में आपका फॉर्म आ ही जाएगा, इतना तो मान के चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं नया दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो समझ में आ रही है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों यूपी दरोगा के बारे में, यूपी दरोगा के दोस्तों फॉर्म कब से अप्लाई होना चालू हो जाएंगे दोस्तों। इसकी अभी अप्लाई होने की डेट एक बार आई थी तो उसको मतलब डेट बढ़ा दी गई थी, उसको कंसिडर कर टाइम में कर दिया गया था। तो ये दोस्तों जुलाई में, बहुत ही जल्द दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके जुलाई में फॉर्म यूपी दरोगा, दरोगा अगर बनना है दोस्तों आपको बहुत ही जल्द तैयारी करना है, क्योंकि जुलाई में आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे ऑनलाइन भरना। तो अगर दरोगा बनना है दोस्तों, दरोगा के लिए आपको फॉर्म जुलाई में स्टार्ट होने वाला, जल्दी जल्दी आपको वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं हर यूपी पुलिस से रिलेटेड, हर आरआरबी से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन क्षेत्र में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ पहुंचाता हूं दोस्तों। क्योंकि आप अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, किसी बेल आइकन जैसे दोस्तों प्रेस कर देंगे, आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड, मुझे ऐसा ही आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो तनिक पसंद आएगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।